Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Concept of Cost Me, a relationship between TC, TVC, and TFC. In the previous class, we already learned about what's the total cost, TVC, and TFC. The total fixed cost is also called the supplementary cost, Your variable cost is also called the prime cost. एंड टी सी टी सी इज द सम टोटल ऑफ इट मीन्स टी सी इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का सम टोटल होता है एंड इफ वी शोज द डिफरेंस बिटवीन द टी सी एंड टी वी सी टी सी माइनस टी वी सी दीज आर इक्वल टू टी एफ सी देन वी कैन शोज दिस विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड डाइग्राम इट मीन्स द टी एफ सी ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट सो वैन आउटपुट इज जीरोन टोटल फिक्स कोस्ट इज ऑल्सो जीरो एज वेल एज आउटपुट इंक्रीज इज देन टोटल फिक्स कोस्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बिकॉज टी एफ सी ऑलवेज कॉन्स्टेंट एज वेल एज आउटपुट इनक्रीज और डिक्रीज फॉर एग्जाम्पल इसमें हम प्लांट और मशीनरी को इंक्लूड करते हैं विच इनकर्ड

ड्रीजिंग रेट यहाँ तक जैसे पहले एट का डिफ्रेंस है फिर सिक्स का है फिर फोर का है तो यहाँ तक जो टी वी सी है वो इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से एंड आफ्टर दिज वैन आउटपुट इंक्रीजेज देन टी वी सी ऑल्सो इनक्रीज विद इनक्रीजिंग रेट एंड टी सी इज द सम टोटल ऑफ टी एफ सी एंड टी वी सी इन दोनों का सम टोटल होता है सो वैन आउटपुट इज ज़ीरोन टी सी कैन नेवर बी ज़ीरो because total fixed cost can never be zero when output is zero <coughs> then it can be shown with the help of the tc tvc and tfc with the help of diagram the tfc remains constant or parallel to x axis it means when output is zero then tfc is also positive and when output increases or decreases then tfc also कॉन्स्टेंट या पैरल टू एक्स एक्स इसके बाद हम इसका बिहेवियर देखते हैं द टीवीसी जीरो टिल द पॉइंट ए द टीवीसी इंक्रीज विद डीक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दीस एज वेल एज आउटपुट इंक्रीजेस after the point a tvc increase with increasing rate right and the tc starts from y axis why the tc starts from y axis because tc is the sum total of tfc plus tvc and tfc can never be zero when output is zero so tc starts from the y axis and it also increase with the decreasing rate till the point डैश एंड आफ्टर दीज एज वेल एज आउटपुट इंक्रीज द टी सी ऑल्सो इंक्रीज विद इनक्रीजिंग डेट इन दोनों की शेप एस शेप्ड होती है इनवर्स एस शेप्ड होती है वाई बिकॉज द शेप ऑफ टी सी एंड टी वी सी दीज आर डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसके बाद इनमें रिलेशनशिप द गैप बिटवीन द टी सी एंड टी वी सी इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट यानी यहां से लेकर यहां तक इनके बीच जो गैप होगा वो कॉन्स्टेंट होगा बिकॉज दोनों के बीच जो गैप होता है वो किसके इक्विलेंट होता है दीज आर इक्वल टू टी एफ सी एंड टी एफ सी ऑलवेज कॉन्स्टेंट टी एफ सी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है इसलिए इनके बीच गैप भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा कैन यू टेल मी टी सी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस नो टी सी डज नॉट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्स इज बिकॉज इन द लोंग रन कब नहीं हो सकता क्योंकि लोंग रन में ओल फैक्टर्स आर वेरिएबल सो टी सी इट इज इक्वल टू टीवीसी टीसी की वैल्यू किसके इक्विलेंट होगी टीवीसी के इक्विलेंट होगी देर इज ए नो फिक्स कोस्ट इन द लोंग रन क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी फिक्सड कोस्ट नहीं होती है तो टीसी इज इक्वल टू टीवीसी सो इन द लोंग रन द टी सी स्टार्स फ्रॉम द ओरिजन पॉइंट तो टीसी कहां से शुरू होगा क्योंकि टी सी और टीवीसी दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो लोंग रन में हम कह सकते हैं लोंग रन टोटल कॉस्ट का ये ये ही होगा जो टीवीसी होगा हमारा सो इट स्टार्स फ्रॉम द ओरिजन पॉइंट सो ओनली इन द शॉर्ट रन द टी सी स्टार्स फ्रॉम द ई एक्स बिकॉज फिक्सड कोस्ट कैन नेवर बी जीरो क्योंकि ये दोनों का सम टोटल होता है राइट सो दीज आर द बिहेवियर या रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीवीसी एंड टी एफ सो देट्स ऑल फॉर टूडे फॉर द फर्दर क्लासेज प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल थैंक्स एंड हैव एन आइस